brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. कॉमेडियन श्याम रंगीला का वाराणसी लोकसभा सीट से ही पर्चा खारिज हो गया है। बताया जा रहा है कि शपथ पत्र न देने के कारण श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हुआ है। आखिरी और सातवें चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का 14 मई को आखिरी दिन था, लेकिन इसी दिन श्याम रंगीला का पर्चा खारिज हो गया। श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि मेरे पास चुनाव में नामांकन करने के नियम के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मेरा नामांकन नहीं ले रहे। कल तो ये 8 बजे थे, मैं इनसे 2 घंटे पहले आया था। इतनी खुशी थी, लोकतंत्र पे जो है ना भरोसा था, जो मुझे लगा जो चीज़ें हुई उसकी वजह से बहुत बढ़िया इन्होंने हमारा नामांकन लिया है। लेकिन 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे में ना जैसे होता है ना कि खेल में रोमांच, जैसे होता है ना क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले से मोड़ ले रहे हैं अनिश्चितताओं का खेल। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार, खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है यार। जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने। 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर, 24 घंटे में तो क्लियर हो ही गया। कुछ कमी नहीं, डॉक्यूमेंट में कमी हमें पता थी, इतना तो हम जानते हैं कि जहाँ पे हम लड़ने निकले हैं, जहाँ पे हमने हिम्मत दिखाई है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट, प्रस्तावक, पैसे, ये तो चीज़ें चाहिए हमें, तब जाकर के हम लड़ पाएंगे। वो चीज़ें सारी दी। कल 3 बजे के बाद हमारा जो एंट्री हमारी हुई है वो आज मुझे समझ में आया कि क्यों हुई 3 बजे। मुझे लगा लोगों के सपोर्ट से इन पर दबाव आया है, मेरे फ़ोन करने से, मेल करने से दबाव आया है। आज DM साहब ने बताया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, आपने वो शपथ नहीं ली है। शपथ जो हम 25-27 लोग गए थे, मोदी जी के अलावा जो लोग थे उनको शायद किसी को नहीं दिलाई गई थी, ये भी गए थे, इनको भी नहीं दिलाई गई। इन्होंने 3 बार उनको बोला है, मैं इन पर भी आऊँगा, इनको बोलूँगा कि आप अपनी बात रखो, लेकिन जो शपथ नहीं दिलाई गई हमारे साथ, अधिवक्ताओं को नहीं भेजा गया, इनको नहीं भेजा, सिर्फ अकेले को बुलाया 3 बजे के बाद में, और हम गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद में ये 8 बजे तक आए हैं। अब जो उन्होंने रीज़न दिया है, कह रहे हैं कि आपने शपथ नहीं ली। मैंने कहा सर आपने दिलाई नहीं, बोले हमारा काम थोड़ी, आप लेके आओ कहीं से। अब की बार वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 41 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। श्याम रंगीला के इस दावे पर चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इस बीच नामांकन खारिज होने पर कॉमेडियन श्याम रंगीला की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।